गुड मॉर्निंग बच्चों। ड्यू टू कोविड-19 आवर स्कूल सिस्टम डिसाइडेड टू रन ऑनलाइन क्लासेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल वेलकम इन 9th क्लास। सो वी हैव गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज सेल द फंक्शनल यूनिट और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट कम्स अंडर बायोलॉजी। ओके गुड, नाउ व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड अबाउट सेल। ओके, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। द स्टडी ऑफ सेल ऑल ऑफ यू नो। ओके, एंड द फर्स्ट सेल ऑब्जर्व्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665 इन अ डेड कॉर्क स्लाइस। डेड कॉर्क स्लाइस मीन्स द बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क मीन्स छिलका, पौधे के, पेड़ पौधे के जो आउटर कवरिंग पर जो छिलका होता है उस पर इन्होंने सबसे पहले उसके एक लेयर्स को ले लिया था और स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। एंड द सेम थिंग्स अ सेकेंड साइंटिस्ट डेट्स नेम इज एबी लिवेनहॉक। If in the examination, supposed ask about, give the name or give the example of a living cells that was discovered by A.B. Leeuwenhoek, that name is a onion peel cell. Okay, onion peel cells means एक प्याज के छिलके, प्याज के छिलका एक लेकर ये लेक लेयर ले लीजिए और लेयर के ऊपर से एक पतली सी झिल्ली निकालकर उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब विषय में जानेंगे, इन सब के विषय में जानेंगे और बहुत सारे इनके स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे इनके कंपोजिशंस और बहुत सारे इनके फंक्शंस के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थिंग वी नो अबाउट हाउ मेनी टाइप्स, देर आर टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कहने का मतलब पहले, पहले का मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे स्टार्टिंग में आया था। एंड यूकैरियोटिक का मतलब कि आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होने की वजह से नए सेल्स आए, उस पर कुछ डेवलपमेंट हो गया, उसको बोल देंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान लेंगे थोड़ा सा, दो तीन पॉइंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट यूकैरियोटिक सेल इज फेयरली लार्ज इन साइज। उनके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में ये बड़े होते हैं। एंड सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर रीजन सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द मैच्योरिटी ऑफ ए सेल। बट इन द प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोलस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। एज यू सी ऑन डिस्प्ले, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेल डिविजन बाई फीजन और बर्डिंग। एंड द इन द यूकैरियोटिक सेल डिवीजन बाई माइटोसिस एंड म्योसिस। ओके, नाउ यू नो अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो देर आर थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, हम लोग स्टडीज करेंगे आगे। एक तरह का जेली लाइक लिक्विड होता है, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि सेल्स के रिजिडिटी को मेंटेन करता है, सेल्स के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ओके, सो इट विल बी फाउंड ऑन बोथ। इट इज मेड ऑफ अ प्रोटीन
protein and lipids. Generally, it is made up of protein and lipids. Fifth point is, plasma membrane is selectively permeable in nature. Selectively permeable in nature means these cells can pass those substances who requires, who benefited for the cell. Okay, each allow or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. So it is selectively means कहने का मतलब कि जो requires है उनको ये आने देता है, जो not requires है उनको ये आने नहीं देता है, रोकता है, ठीक है. And the sixth point is, it is flexible and can be folded, broken and reunited. Okay, what is the function of plasma membrane? It regulates the movement of molecule inside and outside the cell. It helps in maintaining the distinct composition of cell. Distinct means अलग अलग तरह के composition, विभिन्न तरह के composition हो सकते हैं. किसी चीज़ से टकराया तो थोड़ा fold हो गया, किसी चीज़ से attach हुआ तो उसके जैसा structures हो गया, तो इसलिए इसका distinct compositions हो गया, distinct. और ये maintain करता है regulatory osmosis process के through, exchange करता है materials को inside and outside. Okay, thank you.